दूर दूर तक पसरा सन्नाटा और पीछे छूट गए हैं तबाही के निशान। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण का आज 13वां दिन है। आसमान से रूसी मिसाइलें आग बरसा रही हैं। और जमीन पर टैंक गरज रहे हैं। रूसी सेना जहां भी धावा बोल रही है, जीवन से भरे शहर कंक्रीट के जंगलों में तब्दील होते जा रहे हैं। ये है यूक्रेन का इरपिन शहर। शहर में चारों तरफ पसरा सन्नाटा तबाही को चीख चीख कर बयां कर रहा है। यहाँ ज्यादातर लोग जान बचाने के लिए अपने प्यारे शहर को छोड़कर जा चुके हैं और जो बचे हैं उनका पलायन जारी है। इस वक्त हम यूक्रेन के इरपिन शहर की ठीक उसी जगह पर हैं जहाँ पर कुछ ही समय पहले बमबारी हुई और उस बमबारी के कारण इस जगह पर ही 4 लोगों की मौत हुई है। जल्दबाजी और भगदड़ में अपने घर और अपने शहर को छोड़कर भाग रहे इरपिन के लोग अपने पीछे हंसते खेलते जीवन के कई निशान छोड़ गए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बच्चों के प्रैम, साइकिल, बस्ते, पासपोर्ट समेत कई सामान बिखरे पड़े हैं। बिखरा सामान बताता है कि किस बदहवासी की हालत में लोगों ने अपना घर छोड़ा है। ये जो बिल्डिंग है ये पूरी तरह से जल गई है, इसमें अब भी धुआं उठ रहा है और साथ ही ये वो लोगों के सामान जो हैं वो अब तक बिखरे हुए हैं जिनकी कल यहाँ मौत हुई। हालांकि उनके जो शव हैं वो तो हटा लिए गए हैं, लेकिन इसी जगह पर यहाँ से सुरक्षित निकलते हुए ही शेलिंग हुई थी और उसी शेलिंग के अंदर जो है 4 लोगों की मौत इसी इरपिन के इस इलाके के अंदर हुई। बहरहाल बाकी शहरों में बच्चों, महिलाओं, बूढ़ों और दिव्यांगों को निकाला जा रहा है। उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए बसें लगाई गई हैं, मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं और सेनाएं अगले हमले पर मोर्चा संभालने के लिए तैयारियां कर रही है। कई शहरों के बाहर इस तरीके की बसों की कतारें नजर आ रही हैं। मेडिकल टीम्स भी मौजूद हैं उनके इलाज के लिए, साथ ही लोगों के सामान की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी यहाँ पे कुछ प्रोविजन जो छोटे स्टोर्स हैं उन्हें रखा गया है। आंकड़े बताते हैं कि 10 लाख से ज्यादा लोग अकेले यूक्रेन से पोलैंड जा चुके हैं। इसके अलावा हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, स्लोवाकिया, इन तमाम मुल्कों की तरफ भी लोग पलायन कर रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बमबारी में कैसे इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं और इरपिन को कीव से जोड़ने वाला पुल ढह गया है। बर्बादी और खौफ के बीच कैसे टूटे पुल के जरिए एक वृद्ध को सहारा देकर सुरक्षाकर्मी नदी पार करा रहा है और एक शख्स अपने कुत्ते को किसी तरह अपने साथ इस शहर से दूर सुरक्षित जगह पर ले जाना चाह रहा है। इस पूरे इलाके में केवल एक ही चीज नजर आती है और वो है बर्बादी। जो एक ही चीज नजर आती है वो नजर आता है खौफ। लगातार जो नज़र आती है और सुनाई देती है वो होता है धमाकों की आवाज़, बमों के गिरने की आवाज़ और साथ ही उन बमों के गिरने के बाद इमारतों से उठता हुआ धुआं। कई तमाम शहरों में लगभग इसी तरीके की तस्वीर है, खारकीव के अंदर, ओडेसा के अंदर, सूमी के अंदर, इसके अलावा चेरनिहाई में, इन तमाम इलाकों के अंदर, मरियापोल में, मेलिटिपोल में, इन तमाम इलाकों के अंदर लगातार इसी तरीके की तस्वीर नज़र आ रही है। एक तस्वीर ये भी देखिए, बमबारी में मारे गए किसी साइकिल सवार का शव काफी समय से पुल पर लावारिस पड़ा है, लेकिन सुरक्षा बलों की अभी प्राथमिकता जीवित लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना है, इसलिए शव को अभी नहीं हटाया जा सका है। ये सब दिखाता है कि युद्ध का निर्णय तो सुरक्षा बलों के बीच बैठे देश के नेता ले लेते हैं, लेकिन इसकी कीमत देश के आम लोगों को चुकानी पड़ती है। लोगों के जिंदगी भर के बनाए घर उजड़ जाते हैं, अपनों को खोना पड़ता है और बेकसूर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। पंजाब ते पंजाबियों दा परछावा, पंजाबी साडियां बावां, एबीपी सांझा। हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते डाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। एबीपी सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नूं अज ही संपर्क करो। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।